हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में, जो आने वाले टाइम में आप लोगों को किस तरीके से मोमेंटम दिखा सकता है, वो आप लोगों को हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा विद लॉजिक। तो आप लोग चैनल पे, अगर आप लोग नए ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो आइशर मोटर का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, और इसके अंदर प्रीवियसली दोस्तों मैंने एक स्विंग ट्रेड दिया था, जिसका रिस्क रिवॉर्ड था 1:2, और अपर साइड 8% की मैं इसके अंदर प्रिडिक्ट कर रहा था आने वाले टाइम में आ सकती है। तो अगर आप लोग देखोगे ना, तो आप लोग वीडियो थोड़ा सा रिव्यू करके बताता हूँ, एपिसोड नंबर 143 आप लोग जाके देख सकते हो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। अगर आप लोग देखोगे ना, तो मैंने आप लोगों को आइशर मोटर सजेस्ट किया था। आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आइशर मोटर्स का चार्ट मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में इसी तरीके से आप लोगों को लगा के दिखाया था कि किस तरीके से मेरे को आने वाले टाइम में मोमेंटम दिख सकती है। देख सकते हो 3200, 3380 और 3600, 467, यही सेम लेवल सब कुछ लगाए हुए। आप लोग जाकर देख सकते हो वीडियो को भी, मैंने आप लोगों को दिया था क्लियरली कि अपर साइड की मोमेंटम में देख रहा हूँ। अगर एंट्री प्राइस मैंने आप लोगों को बताया था इसी लेवल के ऊपर जैसे सस्टेन होता ना, आप लोगों को एक अपर साइड देखने के लिए मिलेगी। और आप लोगों को ये वीक दिखती होगी दोस्तों किस तरीके से टारगेट सेट किया था और एक्जैक्ट अपना टारगेट हिट हुआ। अभी अगर आप लोगों को दिखाऊंगा आने वाले टाइम में किस तरीके से इसके अंदर मुझे आने वाले टाइम में एक मोमेंटम पेंडिंग लग रही है, और स्टॉक मुझे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के ऊपर भी दिख रहा है, और आने वाले टाइम में स्टॉक एक बड़ी अपर साइड की मोमेंटम भी लेके आने की चांसेस मुझे लग रहे हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो आइशर मोटर्स का अभी मैंने मंथली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है, और स्टॉक को अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये जो इसका पूरा एरिया होने वाला है ना, ये एज एन सपोर्ट एक्ट करने वाला है। मैं अगर आप लोगों को इसका पूरा एक इंपॉर्टेंट एरिया एक्जैक्ट दिखा दूं किस तरीके से एज एन सपोर्ट एक्ट करेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो पूरा जोन है, ये पूरा जोन एज एन सपोर्ट एक्ट करते हुए आइशर मोटर्स का दिखेगा। यही से सपोर्ट लेते हुए स्टॉक अपने अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये एक ट्रैपिंग लेवल है दोस्तों, ट्रैपिंग लेवल का इंपॉर्टेंस अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोज को जाके देख सकते हो, और किस तरीके से मैं उसको प्लॉट करता हूं आप लोग जा जाके देख के सीख के अपने भी साथ ये इसी तरीके की एनालिसिस करके आप लोग भी चैंपियन बन सकते हो। अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी दिखता होगा, और इसका भी इसने क्या किया, एक बढ़िया ट्रेंडलाइन के साथ इसने ब्रेकआउट किया। अगर आप लोग देखोगे, और इंपॉर्टेंट जो ट्रैपिंग लेवल थी दोस्तों, यहाँ पे इसने दो बार पूरे बुल्स को ट्रैप किया था, और उसके बाद में बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिली। उसके बाद में कंटिन्यू इसने यहाँ पे 2 से 3 बार इसने यहाँ पे क्या किया, रिजेक्शन लिया, और उसके बाद में अभी एक मल्टी ईयर का ब्रेकआउट करते साथ एक अपर साइड की मोमेंटम यहाँ से मुझे पेंडिंग लग रही है। अभी अगर करंट मार्केट प्राइस पे बात करूं, तो एक्जैक्ट अपने ट्रैपिंग लेवल पे स्टॉक मुझे मिल रहा है, तो इसी लेवल के अराउंड मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एंट्री का प्लान करूंगा। स्टॉप लॉस की बात करें ना दोस्तों, तो स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है। नियर बाय 2700 रुपए, 2750 के अराउंड के स्टॉप लॉस इसके साथ मैं इसके अंदर प्ले करने वाला हूँ अपसाइड के लिए, या फिर थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर आप लोग एक्सटेंड करो तो 2550 रुपए के आसपास आप लोग इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सबसे पहले ट्रेंडलाइन को रिमूव कर देता हूँ, और अभी अगर मैं आप लोगों को इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पैटर्न ड्रॉ करके बताऊं दोस्तों, तो मुझे एक पैटर्न इसके अंदर दिख रहा है। ये आप लोग देखोगे इस तरीके से आने वाले टाइम में स्टॉक ये चैनल के अंदर परफॉर्म करते हुए आप लोगों को दिखेगा। इसी लेवल के आसपास से स्टॉक अपने अपर, इसी तरीके से ये क्या करेगा, इतनी बड़ी अपर साइड है तो ये डायरेक्टली नहीं गिरेगा दोस्तों, ये क्या करेगा अपने सपोर्ट को सपोर्ट लेगा, एक बार यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैपिंग करेगा, या तो डबल टॉप बनाएगा प्रीवियस हाइज को तोड़ के, और उसके बाद में स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा। लेकिन अभी जो है ना, मुझे इसके अंदर एक बुलिश अपॉर्चुनिटी लग रही है। करंट मार्केट प्राइस की बात करूं तो मुझे एक्जैक्टली इसी लेवल के आसपास भी एंट्री लग रही है। मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, लॉजिक तो मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से इसके अंदर एंट्री का प्लान बन रहा है। अभी एंट्री यहाँ पे होने वाली है। टारगेट की बात करें ना दोस्तों, तो फर्स्ट टारगेट अपना रहने वाला है नियर बाई ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आपने को थोड़ी सी क्वांटिटी एग्जिट करनी है, क्योंकि ये जो है ना एक हर्डल होने वाला है इसके लिए, आइशर मोटर्स के लिए। टारगेट 1 यहाँ पे अपन प्लेस करेंगे, टारगेट 1, ओके। ये सभी लेवल्स के आसपास आप लोगों को क्या करना है, अलर्ट सेट करके रखना है। जैसे ही स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास चला जाएगा ना, आप लोगों को वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है दोस्तों। ये टारगेट 2, उसके बाद में टारगेट 3 की एसएल की बात करें ना, तो एसएल बहुत छोटा होने वाला है नियर बाय ये लेवल के अराउंड अपना एसएल रहने वाला है। एक्जैक्ट आप लोगों को प्राइस अगर दिखाऊं, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ एंट्री पॉइंट अपनी होने वाली है 3086, 3100। करंट मार्केट अराउंड प्राइस के अराउंड 3500 रुपए के आसपास फर्स्ट टारगेट, और 4000 रुपए के अराउंड सेकंड टारगेट। एसएल की बात करें तो 2500 के अराउंड आप लोगों को एसएल लगाना। इसी तरीके की अपडेट दोस्तों डेली मैं कंटिन्यू अपने चैनल के ऊपर आप लेके आता हूँ। आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू डेली आप लोगों को चैनल के ऊपर अपडेट देता हूँ किस तरीके से स्टॉक के अंदर अपर साइड या डाउन साइड लग रही है, और उसके पीछे के रीजन लॉजिक। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को अपडेट करता हूं कि बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर मुझे सेलिंग साइड या बाइंग साइड कौन सा व्यू लग रहा है, अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को अपडेट दे देता हूं। उसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप लोगों को कंटिन्यू अपडेट देता हूं किस तरीके से मेरे को स्टॉक के अंदर अपर साइड या डाउन साइड दिख रही है, या इंपॉर्टेंट सपोर्ट या ट्रेंड लाइन, या फिर कोई ट्रैपिंग लेवल के अराउंड स्टॉक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। जाके आप लोग ट्रेडिंग डेस्क सर्च करो, वहां पे आप लोगों को एक्जैक्टली एक चैनल मिल जाएगा, आप लोग उसको सेलेक्ट करके उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो। डेली अपडेट देता हूं दोस्तों, और इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।